ये सेकेंड क्वेश्चन में देखो दिया है कि बॉल इज थ्रोन फ्रॉम वर्टिकली अपवर्ड वेलोसिटी मीटर पर तो जैसे कि एक बिल्डिंग बना लेते हैं पहले ये सपोज एक बिल्डिंग है इसका हाइट दिया हुआ है ट्वेंटी फाइव मीटर ट्वेंटी फाइव मीटर इसका हाइट दिया हुआ है बिल्डिंग का अब यहाँ इस बिल्डिंग के टेरेस मतलब टॉप से कह सकते हो ये जो टॉप है यहाँ से एक बॉल को ऊपर थ्रो किया क्या वेलोसिटी से थ्रो किया ट्वेंटी मीटर पर सेकेंड से थ्रो किया uh, अब ये पूछा है कि द हाइट टू विच द बॉल राइजेस फ्रॉम द ग्राउंड एंड द टाइम टेकन बिफोर द बॉल हिट्स द ग्राउंड ध्यान से देखो ये बॉल जो है ये इसका मोशन कुछ ऐसा रहेगा ये पहले कुछ ऊपर जाएगी एक इंस्टेंट के लिए ये टॉप मोस्ट पॉइंट पर उसका वेलोसिटी ज़ीरो हो जाएगा उसके बाद उसी रूट के अलॉन्ग वो नीचे आ जाएगी तो मैं एक साइड में एक लाइन बना देता हूँ लाइक दिस सो ये पहले ऊपर गया उसके बाद नीचे पूरा ग्राउंड तक ये आ गया है तो ये पूरा टाइम टेकन हमको निकालना है इसके ड्यूरिंग इट्स मोशन तो सबसे पहले तो मैक्सिमम uh, हाइट वो कितना जाएगा ग्राउंड से वो निकालना है टॉप मोस्ट पॉइंट पर देख सकते हो वेलोसिटी हो रही है ज़ीरो तो ए से बी अगर हम इक्वेशन लगाएं जिसमें वी आता हो यू आता हो और एक्सेलेशन आता हो और डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए तो हम लगाएंगे वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू टू ए एस तो ध्यान से देखो मैं एक क्वेश्चन लगा रहा हूँ वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू टू ए एस सो ये ए से बी के लिए मैं लगा रहा हूँ तो हो जाएगा जीरो स्क्वायर माइनस ट्वेंटी स्क्वायर इज इक्वल टू टू एस एक्सेल से हम लेंगे माइनस टेन और डिस्प्लेसमेंट हमसे पूछा गया है यहाँ से इसको कैलकुलेट करोगे फोर हंड्रेड बाय ट्वेंटी देट मीन्स ट्वेंटी आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट सो यहाँ से क्लियर हो गया कि ए से बी वो ट्वेंटी गया है अच्छा ग्राउंड से ए की हाइट कितनी है ट्वेंटी फाइव सो ट्वेंटी फाइव प्लस ट्वेंटी कितना हो गया फोर्टी फाइव तो पहले क्वेश्चन का तो आंसर आ गया फोर्टी फाइव मीटर अब टाइम निकालने के लिए हम पूरा ए से बी और बी से सी यानी कि कंप्लीट ए से सी तक का मोशन कंसिडर करते हैं और लगा देते हैं एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर सो देख सकते हो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा माइनस ट्वेंटी फाइव यू लेंगे हम ट्वेंटी ट्वेंटी टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर एक्सलेशन ले लेंगे माइनस टेन सो माइनस हाफ इंटू टेन इंटू टी स्क्वायर ये हमारी इक्वेशन है अब ये इक्वेशन को सॉल्व करते हैं हम सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम इसको फाइव से डिवाइड कर देते हैं तो ये हो जाएगा माइनस फाइव इज इक्वल टू फोर टी माइनस टी स्क्वायर अब ये अभी इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है सो so, मैं रीअरेंज कर रहा हूँ देख सकते हो टी स्क्वायर माइनस फोर टी माइनस फाइव इज इक्वल टू जीरो स्प्रिटिंग द मिडिल टर्म्स हम निकाल लेते हैं आंसर तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर माइनस फाइव टी प्लस टी माइनस फाइव इज़ इक्ल टू ज़ीरो टी कॉमन लिया टी माइनस फाइव प्लस वन टी माइनस फाइव इज इक्वल टू ज़ीरो टाइम की दो वैल्यूज़ आ रही हैं फाइव और माइनस वन सो क्लियरली हम यहाँ पर फाइव एज आंसर लेंगे बिकॉज़ टाइम पॉजिटिव ही होता है तो यहाँ से हमारा आंसर डी ऑप्शन आ गया